हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर ऑफ चैप्टर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लास एट सी बी एस और एन सी आर टी साइंस स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर कहा गया है जिनके आंसर स्मॉल हैं ब्रीफ में हैं इन्हें डिस्कस करेंगे लर्न करेंगे और राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है स्टूडेंट वट इज़ द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ए टेम्परेचर ऑन अर्थ कि अर्थ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है इसका मेन रीज़न क्या है सो so, स्प्रेंट डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन इसका एक मेन रीजन है क्योंकि ट्रीज़ को कट किया जा रहा है तो ट्रीज ज़्यादा कट होने की वजह से हमारे एटमोसफियर से जो सी ओ टू है वह एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वो इंक्रीज होती जा रही और सी ओ टू ही टेम्परेचर को इंक्रीज करती है सेकेंड स्टूडेंट्स नेम द रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होना और कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सी ओ टू कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है नेक्स्ट स्प्रेंट राइट द टू एंडमिक प्लांट्स ओ पंचमरी बायोसप्रिजर्व कि पंचमरी बायोसप्रिजर्व के स्टूडेंट्स एंडमिक प्लांट्स कौन से हैं साल वाइल्ड मैंगो ये टू ऐसे प्लांट हैं जो केवल पंचमरी बायस पर में ही पाए जाते हैं इसलिए इनको वहाँ के एंडमिक प्लांट्स कहा जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट राइट द टू एंडमिक एनिमल्स पंचमरी बायोस्पर रिजर्व कि पंचमरी बायोस्पर रिजर्व के टू एंडमिक एनिमल्स कौन से हैं इंडियन गेंट स्क्रिल फ्लाइंग स्क्रिल ये ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल पंचमरी बायोस्प रिजर्व में ही पाए जाते हैं इसलिए इनको वहाँ के एंडमिक एनिमल्स कहा जाता है एंडमिक का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि ये ख़त्म होने वाले हैं एंडमिक एनिमल्स या एंडमिक प्लांट वो स्पीसीज हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं नेक्स्ट है नेम टू एंडेंजर्ड स्पीसीज एंडेंजर्ड डेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं स्टूडेंट जो कि एक लेवल तक डिक्रीज हो चुकी हैं और इनको ख़तरा होता है यानी डेंजर्स लेवल में आ जाती हैं समाप्त होने के लेवल पे आ जाती हैं सो स्टूडेंट टू एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ब्लैक टीयर गोल्डन कैट की इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है हम इसमें टाइगर भी लिख सकते हैं टाइगर्स भी की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था नेक्स्ट वट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ए प्रोजेक्ट टाइगर कि प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पज क्या है टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन कि टाइगर की जो संख्या है पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको मेंटेनेंस करना यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना ये प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पस है नेम ए, ए, एक्सटेंट एनिमल कि एक ऐसा एनिमल जो एक्सटेंट यानी समाप्त हो चुका है आज हमें देखने को नहीं मिलता है डायनासोर एक ऐसा एनिमल स्टूडेंट जो कि एक्सटेंट एनिमल है नेक्स्ट है व्हाट आर द नेचुरल कोच कोजिज ऑफ़ डिफॉरेस्टेशन कि डीफॉरेस्टेशन का नेचुरल कोजेज यानी रीजन क्या है फॉरेस्ट फायरस कि फॉरेस्ट में स्प्रेंट्स समर सीजन में कई बार सूखी जो घास होती है पत्ते होते हैं उनमें अपने आप ही आग लग जाती है जिसे फॉरेस्ट फायर कहा गया है नेचुरल कोज है एंड ड्रोट्स कि रेन नहीं आती किसी प्लेस पर काफ़ी टाइम तक ड्रोट आ जाता है तो उससे भी हमारे प्लांट्स सूख जाते हैं तो ये दोनों ही नेचुरल कोजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के नेक्स्ट व्हाट इज़ द मेन कोजे ऑफ डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन यानी कि हमारी जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाना यानी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना डेजर्टिफिकेशन होता है इसका मेन रीजन क्या है सोयल इरोजन सोयल इरोजन यानी सोइल की जो टॉप लेयर है वो कट हो जाना सोयल इरोजन कहलाता है फ्लड की वजह से या किसी ओरिजन की वजह से सोयल इरोजन ही मेन कॉज है डी डेजर्टिफिकेशन का क्योंकि जब अपर लेयर कट हो जाएगी तो नीचे बैरन लैंड आ जाती है यानी कि अनफर्टाइल लैंड निकल आती है तो इस प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कि अपने इंडिया कंट्री का सबसे फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट किस नाम से बनाया गया था सतपुरा नेशनल पार्क हमारे इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है स्टूडेंट सो so, स्टूडेंट्स ये थे हमारे वन टू टेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर इन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है ओके स्टूडेंट थैंक यू